नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और हम कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी, एग्जाम सीरीज सीजी बोर्ड का 2023। और इस चीज़ के लिए अभिप्सा का अपना प्रयास है। हमारे एप्लीकेशन पर आपको एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 दिखेगा। और यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेवें। तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चालू किए थे, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर ली है और आगे भी जो है हम जो चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा। तो यदि किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में विद्युत फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन का विरोध कुंडली द्वारा स्वयं ही किया जाता है और फलस्वरूप विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। किसके विपरीत दिशा में? कुंडली जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है उसके विरोध वाली दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका कारण है स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? स्वप्रेरकत्व के लिए हमारे पास सूत्र है म्यू जीरो एन स्क्वेयर ए और पूरे का बटा एल। यहाँ पर हम जो है ये सूत्र देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्वप्रेरकत्व पहले कितना था? तो एल वन का मान यहाँ पर दिया गया है 2.8, एच का मान होता है हेनरी। और उसके बाद में जो है जब क्रोड को हटा देते हैं तो परिवर्तन क्या हो जाता है? एल टू का मान हो जाता है 2 MH, मिली एच। ठीक है, अब यदि जो है आपको यहाँ पर जो है किस बारे में बात करना है, तो यहाँ पर जो है अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में बात करना है। हमको पता है L प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसका मतलब ये है कि L1 बटा L2 करने से हमको जो है म्यू नॉट बटा म्यू मिलेगा। और म्यू का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? म्यू का मान निकालने के लिए हम करेंगे म्यू बराबर L2 म्यू नॉट और बटा L। यहाँ जब हम जो है सूत्र में मान डालते हैं तो हमको क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पर है 2.8, नहीं यहाँ पर 2.8 नहीं है, यहाँ पर जो है 2 MH और इनटू म्यू नॉट, और म्यू नॉट है और यहाँ पर है 2.8 H। तो इस प्रकार से जो है आपको अपेक्षित चुंबकशीलता जो है वो समझ में आ जाती है किसी पदार्थ की। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये सूत्र समझ में आया होगा कि आपने म्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, और फिर पूछा जा रहा है कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। सबसे पहले देखते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। तो यदि हम जो है m का मान निकालें तो यहाँ पर होता है म्यू N1 N2 a और बटा l। ये जो है अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र है। और यहाँ से भी यदि हम निकालना चाहें तो हमको मिलेगा M1 बटा M2 बराबर μ1 बटा μ2। इस प्रकार से जो है हमको मान मिलते हैं। और यहाँ पर जो है क्या दिया है? 1.5 मिली एच दिया हुआ है और उसके बाद में जो है यहाँ पर 3 H दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है यदि हम जो है M1 का मान 3 H रखें और यहाँ पर M2 का मान 1.5 गुणा मिली है मतलब 10^-2 H रखें तो इसका मान जो है हमको μ1 और μ2 के जो है सापेक्ष मिल जाएगा, μ0 और यहाँ पर म्यू, तो म्यू का मान मिल जाएगा कितना? म्यू बराबर μ0 और यहाँ से हमको मिलेगा 1.5 गुणा 10^-2 और बटा 3। तो यहाँ से 3 × 3 और 3×5 = 15, 0.5 और 10^-2 मतलब ये हो जाएगा 5 × 10^-3। म्यू का मान हो जाएगा 5 × 10^-3 μ0। अच्छा, μ0 का मान क्या होता है? तो हमको क्या पता था भाई कि μ0/4π का मान होता है 10^-7।
तो जो है म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4π × 10⁻⁷। और यहाँ पर हमको उत्तर क्या मिला है, हमको यहाँ पर उत्तर मिला है 5 × 10³। तो यहाँ पर जो है इसको हम गुणा कर देंगे तो म्यू का मान हो जाएगा 4π × 10⁻⁷ × 5× 10³। और ये जो है इस तरीके से जो है हमको मान मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है जो पिछला प्रश्न देखा था, यहाँ पे जो है असल में ये गलत लिखा हुआ है, ये मेगा एच होने के बजाय ये मिली एच है, और इसलिए जो है यहाँ पर मान में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन उस चीज़ को सुधार लिया गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब आखिरी बात होती है भंवर धाराएं क्या हैं और भंवर धाराओं से क्या हानियां हैं। देखिए, यदि किसी लोहे या फिर किसी भी जो है दूसरे ठोस टुकड़े से जो कि चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ है, उसके आसपास यदि हम फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण पदार्थ में स्वयं ही विद्युत धाराएं, छोटी छोटी विद्युत धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं, और इन विद्युत धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के बीच में जो है हम चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, कच्चे लोहे का क्रोड। अब ट्रांसफार्मर के बीच में क्रोड यदि सॉलिड लगाया जाएगा तो इसके अंदर जो है बड़ी बड़ी विद्युत धाराएं जो है बनने लगेंगी, लेकिन अगर इसको जो है पतला पतला करके एकदम चिप्स के रूप में लगाया जाता है तो ये क्या होती है, इसमें छोटी छोटी विद्युत धाराएं बनती हैं, इन्हीं विद्युत धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इससे क्या हानियाँ हैं, भंवर धाराएं मुख्य रूप से ऊर्जा का ह्रास करती हैं। आप जो है जितनी भी ऊर्जा जो है अपने ट्रांसफार्मर को दे रहे हैं उसमें से एक हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है। इन धाराओं का कोई दो उपयोग लिखिए। इन धाराओं का सबसे पहला उपयोग कहाँ किया जाता है, आप खाना बनाते हैं, चाय बनाने के लिए कि आप गैस जलाते हैं या इंडक्शन, तो आपका उत्तर है इंडक्शन। इंडक्शन होता क्या है, प्रेरण। तो जब जो है हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की इस क्वालिटी का यानी कि भंवर धाराओं का उपयोग करके खाना पकाते हैं तो उसे हम इंडक्शन कुकर कहते हैं। दूसरा कि ट्रेन में जो है पहिए बहुत तेज़ी से गतिशील होते हैं और उन पर जो है ब्रेक लगाने के लिए सबसे अच्छी युक्ति है कि इसके चुंबकीय पदार्थ का उपयोग मतलब प्रभाव का उपयोग किया जाए। वही हम करते हैं, जैसे ही वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है गाड़ियाँ चलते चलते धीरे से रुकने लगती हैं। इस प्रकार से रेलगाड़ियों में ब्रेक के लिए भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। आपको सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। आगे के वीडियोस में हम दीर्घ उत्तरीय और यहाँ 4 नंबर वाले विशेष प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।